तो आज की हमारी इस क्लास में हम बात कर रहे हैं एक मजेदार टॉपिक पे, एक बहुत ही मजेदार टॉपिक। अब मजेदार टॉपिक क्या है, मेरे पास डेटा है राइट, और यहाँ मान लीजिए हमने एक अकाउंट आईडी हमने यहाँ पे क्रिएट किया हुआ, मान लीजिए एक अकाउंट आईडी है यहाँ पे, अब ए किसी ने मुझसे बात की, से पूछा है किसी ने मुझसे चीज़ें, तो मुझे क्या है कि मैं यहाँ पे एक अकाउंट आईडी डालूं, ठीक है, यहाँ पे हम अकाउंट आईडी लिखते हैं और मुझे यहाँ पे नेम आ जाए, ठीक है, नेम के साथ साथ मुझे यहाँ पे अमाउंट, हमारा अमाउंट आ जाए, मान लीजिए जैन की जगह पे अमाउंट है, तो बोलेंगे इसके लिए बड़ी कौन सी बड़ी बात है, हम यहाँ पे वी लुकअप लगाएंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे और डेटा पे चले जाएंगे, यहाँ पे कॉमा 3,0 आ गया, टू कॉमा जीरो, ठीक है, आ गया, और अमाउंट भी मैं यहाँ पे क्या करूँगा 3 आ गया। ये तो नॉर्मल चीजें हैं जो कि आप करते हैं। अब इसमें मैजिक क्या है, मैजिक यह है कि मतलब कि जो टॉपिक हमारा अमेजिंग टॉपिक जो शुरुआत में बोला कि इसमें अमेजिंग टॉपिक क्या है, तो अमेजिंग टॉपिक इसमें ये है कि यहाँ पे जो आप देख पा रहे हैं, अब बात यह है कि ये जो पूजा कहाँ पर है डेटा के अंदर कैसे पता चलेगा, जैसे मैंने पुनीत के लिए 120 कर दिया यहाँ पे, 1120 यहाँ पे 1120 किया है, पुनीत का आ गया। अब मुझे इस पुनीत के लिए यहाँ पे जाके 1120 को सर्च करना पड़ेगा, तब पता चलेगा अच्छा पुनीत यहाँ है। अब जिसने मुझसे सवाल पूछा है उसका कहना यह है कि वो पुनीत पे क्लिक करे एंड ये पहुंच जाए जहाँ पे पुनीत है, मतलब कि रिवर्स कि हमने डेटा, हमने एक आईडी के अकॉर्डिंग डेटा लुकअप तो किया, अब मुझे पता करना है कि ये आईडी एक्चुअली है कहाँ पे, समझे सुरभि जी, मयूर जी, सुरभि जी, प्रॉब्लम समझ में आ गया, हाँ सर। अब इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे, तो सॉल्यूशन से पहले हमें सीखना होगा एक हाइपरलिंक का फॉर्मूला, हाइपरलिंक। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ का एड्रेस देता हूँ, राइट क्लिक करके अगर मैं इसमें जाता हूँ, यहाँ पे गो टू कर, एक मिनट, थैंक यू, यहाँ पे हम गो टू, इसके ऊपर हम कंट्रोल के करते हैं और हम यहाँ पे सेम सीट को सिलेक्ट करते हैं, पहले दिस डॉक्यूमेंट हमने ले लिया, डेटा बुकमार्क में हमने डेटा को सिलेक्ट किया, बुकमार्क बजाया करते हैं, यहाँ आ गया डेटा A1। तो अगर मैं यहाँ पे इक्वल डेटा A1 लिया, हेलो बोलिए, मैं क्लास में हूँ, क्लास में यहाँ भी ये भी होगा, सेम होगा, क्लिक, ये हाइपरलिंक की फॉर्मूला है। अब मैं इस पर क्लिक करूंगा तो वापस आ जाएगा A1 पे, समझे, तो हाइपरलिंक की फॉर्मूला पता चला, हाँ। तो हमने यहाँ पे लिखा हैश डेटा स्लैश A1, अब A1 की जगह पे मैं A10 करूंगा
क्लिक करते मैं यहाँ एटीएन पे पहुँच जाऊँगा। अब यही चीज़ यहाँ करना है राइट। तो कैसे करें, तो इसके लिए हम लगाएंगे फॉर्मूला मैच का, मैच 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 में हमने इसको सिलेक्ट किया और डेटा में गए इसको सिलेक्ट किया कॉमा जीरो, इससे पता चल गया कि इसका रो नंबर क्या है। देन अगेन मैच लगाऊंगा और हम नेम को सर्च करेंगे और यहाँ पे हमने क्या किया नेम को ले लिया, इससे पता चल गया इसका कॉलम नंबर क्या है। तो मैच और हमने इंडेक्स लगाया तो मुझे रो एंड कॉलम नंबर पता चल गया, रो एंड कॉलम नंबर। अब फिर मैं यहाँ पे एड्रेस का फॉर्मूला लगाता हूँ, इसमें हम कर देते हैं यहाँ पे कि रो नंबर कॉलम नंबर राइट। और इसमें जो है हमारा डेटा शीट है तो शीट का नाम हम डेटा डाल देते हैं, लेकिन यहाँ शीट के एब्सोल्यूट बता रहा है, इसमें कॉमा कर दीजिए, यहाँ शीट नेम आ गया ना, बाकी ब्लैंक छोड़ दिया मैंने। तो इस तरह से शीट बी वन आ गया, लेकिन शीट बी वन से तो चलेगा नहीं, मुझे इसमें हैश डालना होगा ना यहाँ पे, तो हमने हैश कंबाइन कर दिया, हमने हैश कंबाइन कर दिया। अब मैं यहाँ पे हाइपरलिंक लगाता हूँ, हाइपरलिंक में हमने यहाँ पे पुनीत ले लेता हूँ, यहाँ पे पुनीत। अब इस पर क्लिक करूँगा तो सीधे पुनीत पे पहुँच गया मैं। अब चलिए एक काम करता हूँ, यहाँ पे 11:49 पूजा का लेता हूँ और मैं ऊपर लगाता हूँ ऐसे, यहाँ पे ये कर सकते लगते 11:49 पूजा आ गया। अब इस पूजा पे क्लिक करूंगा सीधे पूजा वाले सेल पे आ गया। कंसेप्ट समझ में आया आपको कि नहीं? हाँ, सुरभि जी, मयूरी जी, कोई डाउट इसमें? हाँ, नहीं सर। अब इसको इसमें हमें कंबाइन करना है, तो हमने मैच के फॉर्मूले को यहाँ कॉपी किया और यहाँ हमने B5 पे पेस्ट कर दिया। फिर हमने यहाँ पे इस मैच को फॉर्मूला को प्लेस कॉपी किया और हमने C5 पे पेस्ट कर दिया, और C5 के साथ साथ हमने यहाँ वी लुकअप पे, वो तीन बार कॉमा क्यों डाला मुझे समझा नहीं वहाँ पे। बेसिकली जो एड्रेस का फॉर्मूला होता है ना, यहाँ पे अगर आप एड्रेस का फॉर्मूला लगाते हैं तो यहाँ पे इनपुट्स होते हैं, या रोल नंबर, कॉल नंबर, एब्सोल्यूट नंबर, मतलब कि डॉलर साइन लगाना है या नहीं लगाना है, R1C1 चाहिए या नॉर्मल चाहिए, और सीट का नाम क्या है। तो ये दोनों मुझे, इस दोनों में डालना मुझे यहाँ जरूरी नहीं है, स्किप कर दिया मैंने इसको कॉमा से। ओके ओके, स्किप करने के लिए हम कॉमा डालते हैं। जी जी ओके। तो हमने यहाँ वी लुकअप, यहाँ वी लुकअप के अंदर भी मैच डाल दिया और इस वी लुकअप को मैंने उठाया और इस हाइपरलिंक फॉर्मूले के B14 में हमने डाल दिया, ठीक है। और यहाँ जो हमने मर्ज कर दिया है इसको कॉपी किया मैंने, और फिर हाइपरलिंक के हमने D5 माने लिंक लोकेशन वाले में हमने पेस्ट कर दिया, कर दिया। अब मैं इसको, यह किससे लिंक नहीं है, अब इसको सीधे कट करता हूँ और कट करके यहाँ डाल देता हूँ और बाकी को मैं डिलीट कर देता हूँ, कर दिया डिलीट हमने। अब इसको आगे ड्रैग करने से पहले हमें तो फ्रीज करना होगा ना, A4 का हमारा A फ्रीज होगा, राइट, डेटा हमारा फ्रीज होगा पूरा का पूरा, B3 का 3 फ्रीज होगा और ये 1x1 पूरा फ्रीज होगा, वी लुकअप का A फ्रीज होगा, ठीक है, डेटा फ्रीज होगा, B3 का 3 फ्रीज हुआ और 1x1 डेटा हमने फ्रीज कर दिया। अब मैंने इसको सेलेक्ट किया और आगे की तरफ ड्रैग कर दिया, नीचे की तरफ चाहिए तो नीचे तरफ भी कर सकते हैं, बट इसमें हाइपरलिंक नहीं काम करेगा, दिख रहा है ना, नहीं काम करेगा। इसको चाहते हैं कि आप इसको इनडायरेक्ट फॉर्मूला लगा दीजिए इसमें, इफ एरर, और इफ एरर में मैंने यहाँ पे दे दिया ब्लैंक, मतलब कि ब्लैंक रहा। अब इसको आगे की तरफ ड्रैग कर लीजिए,
ठीक है। अब जैसे मैंने यहाँ पे डाला 1110, आ गया कुणाल, क्लिक किया कुणाल पे पहुँच गया, पहुँच गया। यही नहीं, मैं यहाँ 40 पे क्लिक करूँगा तो ये देखिए 40 पे कर्सर जाएगा, राइट। यस, कोई डाउट इसमें? नहीं, बट एक छोटा सा प्रॉब्लम है, मैं यहाँ पे सेल्स डेटा कर देता हूँ, सॉरी सेल्स डेटा, इसमें स्पेस लग गया ना, अब इस पे वर्क नहीं करेगा फॉर्मूला। क्यों नहीं वर्क किया? क्योंकि वो डेटा का शीट नेम चेंज हो गया है इसलिए। नहीं, उससे मतलब नहीं है। हाँ, डेटा का शीट नेम चेंज हो गया यहाँ पे, इसलिए प्रॉब्लम हुआ। तो सेल्स यहाँ पे जो हमने हाइपरलिंक में इसमें एड्रेस फॉर्मूले के अंदर जो डेटा लिख रखा ना मैनुअली हमने यहाँ पे, तो इसको हमने कर दिया सेल्स डेटा, राइट। आ गया, अब तो वर्क करना चाहिए, ठीक है। तो इसमें एक यही प्रॉब्लम होगी कि एवरी टाइम यू हैव नीड टू चेंज योर सीट नेम, जब आप सीट नेम चेंज करते हैं तो यहां भी आपको चेंज करना पड़ेगा, राइट। अब छोटा डेटा हो बड़ा डेटा हो, हर किसी पे ये अलग अलग हाइपरलिंक ऑटोमेटिकली लग गया। तो कैसे लगी ये टॉपिक मैम आपको? अच्छा था सर। तो इसकी प्रैक्टिस आप अपने हिसाब से कीजिए, ठीक है। Okay. और इसमें आप जो है अपने हिसाब से जो लुकअप्स वगैरह है वो डालने की कोशिश करें तो बेटर होगा। तो क्या होता है कि लाइफ में इस तरह की प्रॉब्लम जब फेस करेंगे तो आपको इसी तरह से सोचना होगा। रियल लाइफ प्रॉब्लम है जो कि किसी स्टूडेंट ने मुझसे पूछा था, तो मैंने लगा कि आपको बताना जरूरी है क्योंकि आपकी फॉर्मूला क्लास जस्ट खत्म हुई है, तो ये चीज़ें पता होनी चाहिए, ठीक है। तो हमने फॉर्मूला खत्म कर चुके हैं,